इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। कोरोना के नए आंकड़ों से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार तीसरे दिन 2 लाख के पार नए केस गए हैं। 24 घंटे में 2,34,692 नए मरीज हैं। एक दिन में 1,341 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। भारत में 16 लाख से ज्यादा हो गए हैं एक्टिव केस। तो देखिए, ये अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये आप जानते हैं, 2 लाख के पार भारत में केस लगातार 3 दिन से आ रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। और ये आंकड़े लगातार हर दिन बढ़ रहे हैं और अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर में आपको भी पता होगा, आपके आसपास आप देख रहे होंगे, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, अस्पतालों में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, इतनी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की बात सामने आ रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि इन सब चीज़ों की आपूर्ति की जाए, लेकिन उसके बावजूद हालात कई शहरों में बेकाबू नजर आते हैं। मेरे साथ कौन कौन है इस पैनल में जिनसे हम बात करेंगे, मैं वो बता दूँ आपको, फिर इसके बाद बिग वॉल पर चलते हैं। डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर एमसी मिश्रा हैं, पूर्व डायरेक्टर एम्स के, वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर सुरेश कुमार हैं, मेडिकल डायरेक्टर LNJP के, वो हमें ज्वाइन करेंगे। और डॉक्टर दीपक आचार्य वायरोलॉजिस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं आप देख रहे हैं। और कुमार कुंदन दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है, लेकिन पहले जरा जानकारी दें अपने दर्शकों को कि क्या इस वक्त कोरोना का ग्राफ है। आपके कमरे तक आफत, हर सांस पर संकट, अगर लैंसेट के जर्नल में छपी रिपोर्ट सही है तो वाकई ये बहुत ज्यादा अब डरा रही है। क्योंकि देखिए, पहले आप कोरोना के केसेस देखिए, भारत में कितने कोरोना के केस आ रहे हैं हम आपको ये बताते हैं। भारत में 2,33,943 यानी 2.5 लाख से कुछ हजार कम ये केस आ चुके हैं भारत में, और 1,338 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि दूसरे देशों से कंपैरिजन करें जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे कभी, तो उनसे 3 गुना बैठते हैं भारत के केस। कैसे, आप देखिए, अमेरिका 81,000 केस हैं, 887 लोगों की मौत हुई अमेरिका में पिछले 24 घंटे में। ब्राजील की हालत कुछ ज्यादा खराब है, क्योंकि ब्राजील में केस उतने नहीं है लेकिन मौत बहुत हो रही है। एक दिन में 3,000 मौत हो रही है और केस आए हैं 76,000। टर्की और फ्रांस का यहाँ पर हम आंकड़ा देखें, टर्की में 63,000 लोग कोरोना के केस से संक्रमित हुए हैं, कोरोना से संक्रमित हुए हैं, 289 मौत वहाँ पर। और फ्रांस में 36,442 मरीजों का आंकड़ा सामने आया है और 300 से ज़्यादा लोगों की मौत वहाँ पर हुई है। ये हम 24 घंटे की बात कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में क्या यहाँ पर देश भर का कंपैरिजन अगर दूसरे देशों से करें तो क्या यहां पर तस्वीर नजर आती है, और तस्वीर यह बता रही है कि भारत में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और भारत ने सारे देशों को पीछे छोड़ दिया है। अब कई गुना ज्यादा का अंतर आ चुका है। और अब जिस स्टडी की हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी ब्रेकिंग न्यूज देखिए, सबसे पहले उसकी बड़ी खबर देखिए। कोरोना पर नई स्टडी से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। लैंसेट की रिपोर्ट में हवा से वायरस फैलने का चौंकाने वाला दावा किया गया है। हवा के जरिए तेजी से फैलता है कोरोना, ये कह रहा है लैंसेट। हवा से कोरोना की फैलने के पुख्ता सबूत मिले हैं, ये लैंसेट का दावा है। और इसमें इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा के रिसर्चर्स शामिल हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। आइए इस स्टडी के बारे में आपको और जानकारी दूं, मैं इस स्टडी के बारे में आपको और बताऊं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलता हूं और उनसे पूछता हूं कि उनका क्या व्यू है इस पर और वो क्या कहेंगे। लेकिन हवा से फैल रहा है कोरोना, सुनने में ही बहुत भयानक लगता है, सुनने में ही बहुत डरावना लगता है। एक इवेंट में संक्रमित व्यक्ति से 53 लोग पॉजिटिव हुए और संक्रमित व्यक्ति से कोई संपर्क में नहीं आया था, ये इस स्टडी का आधार है जो लैंसेट में छपी है। कैसे, हेल्थ रिसर्च जर्नल लैंसेट की स्टडी का। एक इवेंट में 53 लोग संक्रमित हो गए पॉजिटिव, लेकिन जो पॉजिटिव व्यक्ति था उस इवेंट में, उसके संपर्क में कोई नहीं आया। तो सवाल यह है कि जब उसके संपर्क में आए नहीं, जब उसको छुआ नहीं, जब उसके साथ आसपास फटके तक नहीं, तो फिर ये 53 लोग कैसे पॉजिटिव हो गए। हवा से वायरस फैला, लोग इन्फेक्ट होते चले गए, ये स्टडी का दावा है। और उनका कहना है कि जो बंद जगह होती हैं वहां पर संक्रमण ज्यादा तेजी से फैलता है, बजाय उन जगहों के जहां पर वेंटिलेशन होता है, जहां पर हवा जाती है बाहर, वहां पर इतना फैलता नहीं जितना बंद जगहों पर फैलता है। उन्होंने कहा कि बिना लक्षण वाले लोगों से 40% वायरस फैलता है, जो एसिम्प्टोमेटिक या प्री सिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक जिनमें लक्षण नहीं होते, या प्री सिम्प्टोमेटिक जिनमें बाद में लक्षण डेवलप होते हैं। कोविड अस्पतालों के एयर फिल्टर्स में भी वायरस मिला, ये रिपोर्ट कह रही है। यानी वो डक्ट जो वेंटिलेशन के लिए लगाए गए थे, जो एसी के लिए लगाए गए थे, वो जगह जहां से हवा आ रही थी या हवा, वहां पर भी ये कोरोना वायरस मिला। तो वहां कैसे पहुंचा कोरोना का वायरस,
इसका इस स्टडी का आधार यही है कि क्या हवा से कोरोना का वायरस फैल रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।